हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एग रोल। ये एग रोल पूरे मार्केट के जैसा ही बनकर तैयार होता है। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो एग रोल बनाया है बिल्कुल मार्केट के जैसा ही लग रहा है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डो की तैयारी करनी होगी। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर आधा छोटा सा चम्मच नमक डालना है और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। इन सब को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स कर अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा चिकना सा बनकर तैयार हो। इसको अच्छे से मल लीजिए। ये डो बहुत ही अच्छा सा मुलायम बनकर तैयार होता है। इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। और इसके साथ ही हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है और इसके साथ ही हमने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी। यहाँ पर हमने एक छोटा प्याज कट करके रखा हुआ था, उसको साथ में ऐड कर देना है और आधी शिमला मिर्च डाल देना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पत्ता गोभी कट करके रखी थी, वो भी इसमें डाल दिया है। सबको अच्छे से चबाकर हल्का सा भून लेना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें क्रस्टेस बननी ही रहनी चाहिए। इसके साथ ही हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। सबको मिलाकर अच्छे से भून लेना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। दो माना अच्छे से तैयार हो गया है। उसकी हमने चार लोइयाँ काट ली हैं, आप देख सकते हो, और उसको अच्छे से इसकी रोटियाँ बना लेनी हैं। मैदे की रोटी बनाकर हमें सेक लेना है। बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है उसको, दोनों साइड से ही हल्का हल्का सेक कर ही हमको एक साइड पर रख लेना है। उसका बाद के प्रोसेस को हम आपको बाद में दिखाते हैं। पराठे को तवे पर डालकर हल्का ही रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको दोनों तरफ से सेक लेना है। सारे पराठों को सेक कर एक साइड में रख लेना है पहले, उसके बाद ही हम एग रोल की तैयारी करेंगे। पराठे मेरे बन चुके हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर अब हम एक की तैयारी करते हैं। एक को हमें तोड़कर अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छा हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा आमलेट बनकर तैयार होता है। तवा हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम एक को फेंट लेते हैं अच्छे से। एक को फेंटने के बाद इसमें हमें बहुत ही थोड़ा सा नमक डालना है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। साथ ही जो हमारे प्याज बचे हुए थे, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, धनिया साथ में ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसी पर हमें एक को डाल देना है। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। एक को हमें पलटना भी नहीं है। एक को तवे पर डालने के बाद जो हमने पराठा सेक कर रखा हुआ था उसी को ऊपर इस तरह से रख देना है और धीमी आंच पर ही इसको सिकने देना है। धीमी आंच पर इसको सिकना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो एक हमारा नीचे जल जाएगा। धीमी आंच पर इसको सेकेंगे तो एक हमारा बहुत ही अच्छे से अंदर तक पूरा सेक कर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा पराठा कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है, एक पूरी तरह से सिक चुका है। उसको पलटने के बाद हमें यहाँ पर हरी चटनी लगानी है। हरी चटनी आप किसी भी तरह से तैयार कर सकते हो, जिस तरह से आप बनाते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने मोमोज की चटनी ली है। यहाँ पर आप शेजवान चटनी भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर से लगा देने के बाद जो हमने यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर कर रखी हुई थी उसको हमें यहाँ पर फैला देना है। प्याज और शिमला मिर्च की जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो उसको ऊपर से पूरी तरह फैला देना है और प्याज के लच्छे भी इसमें ऊपर से लगा देने हैं। थोड़ा सा काली मिर्च हमने यहाँ पर डाला है और चाट मसाला डाला है। सब कुछ अच्छे से डालने के बाद एक को हमें फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो एक पराठा हमारा कितना अच्छा और यम्मी बनकर तैयार हुआ है।
यही एक फ्लोर आप मार्केट में लेते हो तो 25-30 रुपये का मिलता है, और घर पे आप तैयार कर सकते हो बहुत ही कम पैसों में। 5-6 रोल आप घर पर ही तैयार कर सकते हो। देखिए हमारा एक रोल कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको हम आपको कट कर कर भी दिखा देते हैं कि इसकी स्टफिंग अंदर से कितनी यम्मी और अच्छी लग रही है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मार्केट का पराठा खाना भूल जाओगे, आप इसी तरह से घर में बनाकर ही हमेशा खाओगे। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए हमारा एग रोल कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।